मेरे भाइयों, रिस्क का मसला बड़ा अहम है और आपने अक्सर कहते हुए सुना होगा कि इंसान हर चीज़ से समझौता कर सकता है लेकिन रोज़ी से समझौता नहीं कर सकता, आपने अक्सर सुना होगा। क्यों? इसलिए कि रोज़ी को बड़ी अहमियत है और होना भी चाहिए, रोज़ी की बड़ी अहमियत है। सबसे पहले हम इस बात पर गुफ्तगू करेंगे कि रोज़ी का मालिक है कौन, इंसान को रोज़ी मिलती कहाँ से है, उसके बाद उसके जो दूसरे मसाइल हैं आपके सामने बयान करूँगा इंशाअल्लाह। रोज़ी का मालिक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो मशहूर हदीस कि जब बच्चा अपने माँ के पेट में 4 महीने का हो जाता है यानी 120 दिन का, तो अल्लाह ताला एक फरिश्ते को भेजता है, वो फरिश्ता उसकी तकदीर को लिखता है जिसमें ये बात होती है कि वो कब पैदा होगा, कब मरेगा, कितना कमाएगा, क्या खाएगा, अच्छा होगा या बुरा होगा, उसकी मौत कैसे आएगी, ये सारी चीज़ें लिख दी जाती हैं। तो रोज़ी का मालिक सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह है। एक और हदीस, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है, ऐसी हदीस जिसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि अल्लाह फरमाता है, उस हदीस को हदीस कुदसी कहते हैं। अल्लाह ताला कहता है कि ऐ मेरे बंदो, तुम सब मेरे मोहताज हो, ऐ मेरे बंदो, तुम सब मेरे मोहताज हो सिवाय उसके जिसको मैं मोहताजी से बाहर निकालूं। ऐ मेरे बंदो, तुम सब भूखे हो सिवाय उसके जिसको मैं खाना खिला दूं, लिहाजा तुम खाना मुझसे मांगा करो। ऐ मेरे बंदो, तुम सब नंगे हो सिवाय उसके जिसको मैं कपड़ा पहना दूं, लिहाजा कपड़ा मुझसे मांगा करो। ऐ मेरे बंदो, तुम सब गुमराह हो सिवाय उसके जिसको मैं हिदायत दे दूं, लिहाजा हिदायत मुझसे मांगा करो। इस हदीस से भी मालूम हुआ कि रोज़ी का मालिक कौन है? अल्लाह। इसलिए हमें रोज़ी किससे मांगनी चाहिए? अल्लाह से मांगनी चाहिए। और अल्लाह ताला ने हमारी रोज़ी लिख दी है, वो हमको मिल करके रहेगी। बल्कि एक हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस तरीके से इंसान के पीछे उसकी मौत लगी रहती है, दुनिया में जितने इंसान हैं उसके पीछे उसकी मौत लगी रहती है, जैसे ही मौत का वक्त आएगा उसको मौत हो जाएगी, वो इंसान मर जाएगा, वो ये नहीं देखेगी मौत कि इंसान घर में है कि बाहर में है कि बाथरूम में है कि रोड पर है, मौत आ गई तो उसको मरना है, वो कहीं भी हो। तो जिस तरीके से मौत इंसान के पीछे लगी रहती है, अल्लाह के नबी ने फरमाया इंसान की रोज़ी भी उसके पीछे लगी रहती है और वो इंसान उस वक्त तक मर नहीं सकता है जब तक कि वो अपनी रोज़ी को हासिल न कर ले। मालूम यह हुआ कि अल्लाह तबारक व ताला ने रोज़ी का मामला बहुत साफ रखा है, इसलिए रोज़ी के मामले में इंसान को ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ने लिख दिया है, बस ढूंढने की ज़रूरत है, हासिल करने की ज़रूरत है, कोशिश करने की ज़रूरत है। उसके ज़राए हराम भी हो सकते हैं, हलाल भी हो सकते हैं। हराम ज़राए और उसके नुकसानात के ताल्लुक से आपने फाजिल मुकर्रर से समाअत फरमाया। अल्लाह तबारक व ताला सारे इंसानों के रोज़ी का मालिक है। अल्लाह ने फरमाया वमा मिन दाबतिन फिल अर्ज इल्ला अलल्लाह रिज़्क़ुहा यअलम मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदाहा। जमीन के अंदर जितने भी चौपाए हैं, जितने भी जानदार हैं, उन तमाम की रोजी का मालिक कौन है? अल्लाह है। यअलम मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदाहा, वो उसके आर्जी जगह को भी जानता है, दायमी जगह को भी जानता है। आप बेंगलोर में रहते हैं,
आपकी रोजी बेंगलोर में कब मिलनी चाहिए अल्लाह को मालूम है। बेंगलोर से आप दूसरी जगह जाते हैं, आपके पहुंचने से पहले आपकी रोजी वहां अल्लाह पहुंचा देता। मालूम यह हुआ कि रोजी की जिम्मेदारी किसकी है? अल्लाह की है। हमारे पहुंचने से पहले अल्लाह हमारी रोजी वहां पहुंचा देता है। अल्लाह तबारक व तआला ने एक और मकाम पर फरमाया, वफिस समाई रिज़्क़ुकुम वमा तुअदून, तुम्हारी रोजियां आसमान में हैं और जो भी तुमसे वादा किया गया है वो कहां से आएगा? आसमान से आएगा। खुदा को भूल गए लोग फिक्र रोजी में, ख्याल रिज़्क़ है रज़ाक का ख्याल नहीं। जो हमको रोजियां देने वाला है वो कहाँ है? ऊपर है, वो अल्लाह हमें रोजी देगा। वफिस समाई रिज़्क़ुकुम, आसमान में तुम्हारी रोजियां हैं। वमा तुअदून, और अल्लाह ने जिसका भी तुमसे वादा किया है वो तमाम कहाँ है? आसमान में है। अल्लाह ताला जब चाहेगा नाजिल फरमाएगा, रोजी भी नाजिल फरमाएगा, इज्जत भी नाजिल फरमाएगा, जिल्लत भी नाजिल फरमाएगा, यानी जो जो तुम्हारे नसीब में अल्लाह ने लिखा है वह आसमान से अल्लाह उतारेगा। अल्लाह ताला ने एक और मकाम पर फरमाया, मा उरीदु मिनहुम मिर रिज़्क़िन व मा उरीदु अन युत्इमून, हमें उनसे ये उम्मीद नहीं है कि वो हमको खिलाएंगे और हमें उनसे ये उम्मीद नहीं है कि वो हमको रोजी देंगे। रोजी अल्लाह देने वाला है, कोई अल्लाह को रोजी नहीं देता है, खाना खिलाने वाला अल्लाह है, कोई अल्लाह को नहीं खिलाता है। इसलिए रोजियों का सवाल हमेशा अल्लाह से करना चाहिए। एक और मकाम पर अल्लाह ने फरमाया, अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम, अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम, वो अल्लाह ही है जिसने तुमको पैदा किया। सुम्मा रज़क़कुम, फिर तुमको रोजी दिया। अल्लाह जब चाहता है रोजी को बढ़ा देता है और जब चाहता है रोजी को कम कर देता है। कभी कभी रोजी बढ़ जाती है यानी इंसान बहुत ज़्यादा कुशादा हाल हो जाता है, और कभी कभी रोजी टाइट हो जाती है, इंसान ज़रा परेशान हो जाता है। ये रोजियों का घटना और बढ़ना ये भी किसके हाथ में है? अल्लाह के हाथ में है। इसमें बड़ी मसलहत है। अगर अल्लाह ने घटाया है तो भी मसलहत है, बढ़ाया है तो भी मसलहत है। जो लोग गरीब हैं जिनकी रोजी कम है उनको खुश होना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो रोजी बढ़ा करके अल्लाह ताला हमको गुमराह कर दे, रोजी बढ़ा करके अल्लाह हमें फख्र गुरूर में मुब्तला कर दे। इसलिए अल्लाह ने जिसको जिस हाल में रखा है उस हाल में खुश रहना चाहिए। अल्लाह हमें आज दाल चावल खिला रहा है, कल गोश्त रोटी भी खिलाएगा। जो अल्लाह आज तक पाला है आइंदा भी वही पालेगा। इसलिए हमेशा अल्लाह से खुश रहना चाहिए और अल्लाह के फैसले पर राजी रहना चाहिए। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस हमेशा हमारे जहन में रहे। आपने फरमाया, मोमिन हमेशा फायदे में रहता है, मोमिन हमेशा फायदे में रहता है। जब उसको खुशी पहुंचती है तो अल्लाह का शुक्र अदा करता है और ये शुक्र अदा करना उसके लिए फायदेमंद है। और जब उसको तकलीफ पहुंचती है तो वो सब्र करता है, ये सब्र करना भी उसके लिए फायदेमंद है। अल्लाह हमें जिस पोजीशन में रखे, जिस हालत में रखे, हमें अल्लाह के उस फैसले पर राजी होना चाहिए। ये अल्लाह तबारक व तआला की रोजी हासिल करने का एक बेहतरीन तरीका है।